तो फ्रेंड्स जैसे कि देख पा रहे हो इसका सारा कुछ हमने पार्ट्स लेकर आया, जैसे कि ये सिलेंडर किट हमने लेकर आया। इसका एमआरपी देख सकते हो फ्रेंड्स 2100 रुपए है, ठीक है। और ये चारों वाल्व है इसका, 1, 2, 3, 4 वाल्व हो गया फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये हो गया 4 वाल्व इसका, ठीक है। एमआरपी मैं देख लेता हूँ एक बार, चारों वाल्व का 183 रुपए के करीब वाल्व का रेट है इसका, ठीक है फ्रेंड्स। तो काफी रेट है इसका, 35 मतलब ये छोटा वाला वाल्व है। तो चलिए, और फ्रेंड्स जैसे कि देखो पैकिंग किट बिल्कुल जेन्युइन है इसका, तो इतना कुछ सामान लगने वाला है। तो टॉप करवर है और क्लच प्लेट वगैरह है। ये दोस्तों गलती से आ गया, मतलब ये हमको दूसरा वाला लेना है, ठीक है। जैसे कि जो टांग वाला आता है वो लेना है हमको। तो पैकिंग वगैरह सब कुछ जैसे कि देख पा रहे फ्रेंड्स। और कस्टमर का कहना था, मतलब जो क्रैंक शाफ्ट होता है ना फ्रेंड्स, एक क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक मतलब कस्टमर इसको भी चेंज करने वाला था, कि कह रहा था इसको मैं नया डाल दूंगा, कि कैसा रहेगा नया डालने से। मैंने बताया, थोड़ा बहुत समझाया कि नया डालने से अच्छा था होगा, पर जरूरत नहीं है, खरादी के पास हो जाता है। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसी को खरादी के पास ले जाएंगे और हेड को ले जाएंगे, उसके बाद काम करवा के ले आते। चलिए फ्रेंड्स क्या करते, काम करवाने के बाद मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो सामान आया ना, देख पा रहे हो इसका जो सामान आया, काफी खर्चा आया इसका सामान, सारा कुछ काफी महंगा। और चेंज पॉकेट भी उन्होंने लेकर आया, तो चेंज पॉकेट को लेकर मतलब 6000 के करीब सिर्फ खर्चा हो गया। अभी इंजन का लेबर है, बाकी खरादी का पास काम करवाना भी बाकी है, ठीक है। इतने में 6000 के करीब खर्चा हो गया, ठीक है। और पावर ऑन भी लेकर आया उन्होंने। तो चलिए फ्रेंड्स क्या करते है, खरादी के पास काम करवा के ले आते पहले। और फ्रेंड्स क्लच प्लेट का भी एक बार एमआरपी देख सकते हो, 687 रुपए एमआरपी है। काम करवा कर लेकर आ गए, तो फाइनली हम इंजन का फिटिंग का काम कर रहे हैं। और थोड़ा सा हमको टाइम नहीं मिल रहा, इसी वजह से थोड़ा सा वीडियो पूरी तरीके से नहीं बना पा रहा हूँ मैं। तो दोस्तों पूरे तरीके से वीडियो अगर देखना चाहते हो तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, उस पर आप जाके देख लेना, लगभग सेम ही है बिल्कुल। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं बता दूँ, ये क्रैंक है। तो दोस्तों क्या है, ये यहाँ पे जो ऑयल का सप्लाई होता है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या करना, ऑयल डालना थोड़ा सा। ऑयल डालने के बाद ये जो कनेक्टिंग रॉड होता है इसको घुमाना, फिर देखना यहाँ पे ऑयल कम होता जाएगा, ठीक है। अगर कम होता जाएगा फिर सही है, ठीक है, क्योंकि ये जो केज बेयरिंग होता है ना, इस जगह पे ऑयल आ रहा है, ठीक है। चलिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम फिट कर लेते हैं बढ़िया से। फिट करने के बाद थोड़ा बहुत हो सके तो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। और फ्रेंड्स ये वाशल जो है, ये वाशल होना काफी जरूरी है, जैसे कि मैंने पहले बताया खोलने के टाइम। चलिए क्या करते हैं, फिट करते, और ये कट वाशर इस जगह पे होना चाहिए। चलिए बिल्कुल इजी है, और इसको हमको खोल लेना है। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख पा रहे हो हमने क्या किया, मेन चैम्बर फिट कर लिया, तो ये अभी बिल्कुल इजी है। और जो हमारा मेन चैम्बर है बिल्कुल एंड इजी तरीके से बिल्कुल बैठ गया, ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं हुआ। और दोस्तों ये जो देख पा रहे हो गैस सिलेक्टर का वगैरह जो होता है, पिन एलंकी वगैरह, ये जो यह लॉक करने वाला होता है ना, ये इस तरीके से रहेगा, देख सकते हो आप लोग फ्रेंड्स। एक का निशान होता है इस जगह पे आएगा, एक ऊपर अंदर की साइड वाशल आएगा, एक ऊपर की साइड आएगा 10 नंबर के नीचे, और गियर सेफ कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो पहले गियर सेफ लगेगा, उसके बाद ये लॉक लगेगा। चलिए अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, कीक वाला सिस्टम जब लगाना होगा मैं दिखाऊंगा, और इस पे ऑयल पंप कब फिट होगा। चलिए करते हैं, और हाउजिन वगैरह फिट करते हैं, वाशर जो वाशल होता है किस जगह पे आना चाहिए वो भी मैं दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख पा रहे हो, एक ये बुश है, और हमारा यहाँ पे 4 वाशल है, ठीक है। तो चारों जो वाशल है सभी अलग अलग टाइप का है फ्रेंड्स, जैसे कि देख पा रहे हो, मोटे वाला, पतले वाला, ठीक है, हर तरह के साइज का है। तो कहाँ पे क्या लगना चाहिए मैं बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो ये जो वाशल है ना फ्रेंड्स, ये जो 2 वाशल है, ये सबसे ऊपर आएगा क्लच बोल्ट के ऊपर, इसके नीचे आएगा, ठीक है, इसको साइड कर देंगे हम। इसके बाद ये जो है, ये भी मैं बता देता हूँ कहाँ पे आएगा, हाउजिन के बाद में आएगा, ये लगाने वाला हूँ सबसे पहले, ठीक है। चलिए इसको मैं पहले डाल देता हूँ, ठीक है, ये भी डल जाएगा यहाँ पे, पर इसको डालना नहीं है, ठीक है, ये भी डल जाएगा पर मोटे वालों को हमको डालना है। चलिए आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो बुश है, बुश डालेंगे मोटे वाला वाशल डालने के बाद, ठीक है, ये डाल देंगे। उसके बाद हम क्या डालेंगे, हाउजिन लगाना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हाउजिन लगाने से पहले क्यों ना हम किक सैप को लगा लेते हैं। चलिए किक सैप को लगा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो किक सैप है, एक अंदर की साइड एक वाशल होता है, ठीक है, बिल्कुल पतले वाला, और एक मोटे वाला होता है। चलिए हम क्या करेंगे, स्प्रिंग को डाल दिया है, बिल्कुल नया स्प्रिंग, और जो एक कट वाला है उस स्प्रिंग के बीच में से आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको डालते हैं, पहले किस तरीके से डालना चाहिए देखिए फ्रेंड्स।
ऐसे कुछ इस तरीके से डाल दिया है हमने। आप क्या करना है, इसको लॉक करना है, ठीक है। चलिए लॉक करने में मैं दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या किया, इसको डाल दिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से अंदर की साइड डाल दिया, ठीक है। जैसे कि मैं और एक बार दिखा दूं फ्रेंड्स, इस तरीके से बिल्कुल सिंपल सी मैं डाल देता हूँ, जैसे कि ये डाल गया। अब क्या करना है हमको, थोड़ा सा ये जो है ना फ्रेंड्स, जैसे कि देख पा रहे हो, इसको हमको पीछे को लाना है। पीछे को ला के थोड़ा सा हल्का निकाल के हमको इस तरीके से बिल्कुल आराम से डाल देना है। देख पा रहे फ्रेंड्स, ये डाल गया, ठीक है। अब इसको किक सैप लगा के, मतलब किक पैड लगा के भी कर सकते हो, जैसे कि विक्टर गाड़ी वगैरह में मैंने दिखाया था, ठीक है। तो ये किक पैड लगा कर भी आप लोग कर सकते हो, तो मैंने फिलहाल हाथ से ही कर दिया है। बिल्कुल आराम से ये लग गया फ्रेंड्स, जैसे कि देख पा रहे हो फ्रेंड्स, ये इजी है अभी, ठीक है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, देखिए देखिए फ्रेंड्स, ये कैसे काम करने लगा, रिटर्न भी बढ़िया से आ रहा है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, हमने क्या किया, किक सैप को भी लगा दिया बढ़िया से। अब जो बार्सल वगैरह होता है, बार्सल यहाँ पे लगा हुआ है, तो हाफजिन लगाने से पहले हमको क्या करना होगा फ्रेंड्स, हमको टाइमिंग चेन वगैरह लगाना होगा, ठीक है। टाइमिंग चेन पैड हमको लगाना होगा। चलिए टाइमिंग चेन वगैरह हम लगाते थे पहले, बिल्कुल इस तरीके से लग जाएगा। चलिए ये सब लगा देते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर एक सीडी का वीडियो देखना चाहते हो तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हो, क्योंकि मैंने एक सीडी का भी वीडियो बना के रखा है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। तो ये है हमारा जेन्युइन चेन पैड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमने चेन गाइड भी लगाना शुरू कर दिया, जैसे कि देख पा रहे हो फ्रेंड्स, ये होता है बूस्ट वाला, इस पर आएगा, ठीक है। तो हम लगा देते कुछ इस तरीके से, बजाज के हर गाड़ी में प्लग पर यही होता है, तो बिल्कुल आराम से हम डालेंगे। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए इस वीडियो को, थोड़ा सा लंबा हो रहा होगा, पर अगर देख लोगे तो काफी नॉलेज मिल जाएगा फ्रेंड्स। चलिए इसको मैं कस लेता हूँ बढ़िया से। तो फ्रेंड्स, हमने चेन बेल्ट वगैरह लगा दिया, और लगाने के बाद ये बिल्कुल इजी होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से देख लेना चाहिए। अब दोस्तों, हम क्या करेंगे, और दूसरा चेन बेल्ट हम बाद में लगाएंगे, चलिए इसको साइड कर देते हैं। और अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो ऑयल पंप का ग्रारी आता है ना, ये फ्रेंड्स ये लगा देंगे हम कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो देख लेंगे किस साइड में लगना चाहिए, तो इस तरफ आना चाहिए, जैसे कि ये देख पा रहे फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से होना चाहिए, स्टॉपर होता है। चलिए फ्रेंड्स, ऑयल पंप हमारा फिट हो गया, ठीक है, कुछ इस तरीके से बिल्कुल अंदर की साइड जाना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल जाना चाहिए, जैसे कि ये कटकावा जाना चाहिए। चलिए आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हाउजिंग हम लगाएंगे। चलिए हाउजिंग वगैरह लगाने के बाद पार्सल कहाँ पे होना चाहिए वो हम दिखाने के बाद क्या करेंगे, क्लच हम फिट कर देंगे फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा फिर वीडियो। देख पा रहे फ्रेंड्स, बहुत आसानी तरीके से आ गया। देख पा रहे फ्रेंड्स, जैसे कि ये हाउजिंग ही हमको ये घुमाएगा, ठीक है। देख पा रहे फ्रेंड्स, ये जो है ऑयल यहाँ पे सीधा क्रैंक में जाएगा, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट का जो कैच बीटिंग होता है ना फ्रेंड्स, यहाँ से होके अंदर को साइड चल जाता है, ठीक है। चलिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम वार्सल वगैरह कहाँ पे होना चाहिए वो मैं दिखा देता हूँ एक बार। देख पा रहे फ्रेंड्स, जैसे कि ये है बड़े वाले वार्सल, इस जगह पे आना चाहिए हाउजिंग के बाद, ठीक है। और क्लच हम फिट कर देते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ कहाँ पे और दो ये वार्सल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि देख पा रहे हो, क्लच हमारा मतलब सेट हो गया। अब क्या करना है, कसना है। तो दोस्तों, कसने से पहले ये जो दो वार्सल होता है, ये दो वार्सल आएगा, ठीक है, एक मोटे, इसमें भी एक मोटे वाला है, पतले वाला है। तो इसमें क्या होगा, जो मोटे वाला है वो पहले आएगा, ठीक है, उसके बाद ये जो पतले वाला है वो ऊपर की साइड आएगा, ठीक है। चलिए इस तरीके से हम लगा देंगे, यहाँ पर दो वार्सल होना चाहिए। अब इसको कसने वाले हम, ठीक है, चलिए इसको भी कस देते। अब थोड़ा बहुत क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम क्लच चेंबर लगाएंगे, उसके बाद हेड में थोड़ा बहुत दिखाएंगे, बस हम क्या दिखाएंगे, जो वाल्व एडजस्ट होता है, इसका बड़े से एडजस्ट करना होता है, वो हम दिखाने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स, बने रहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि देख पा रहे हो, हमने क्या किया, जो हेड है, हेड भी फिट कर दिया, और कैमरा वगैरह को एडजस्ट करना है, हमने क्या करना है, टाइमिंग कर दिया, ठीक है। जैसे कि देख पा रहे फ्रेंड्स, टाइमिंग कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो पिस्टन हमारा टॉप में था, और ये जो डॉट देख करो, टाइमिंग हमारा प्रॉपर तरीके से है। ये जो वार्सल देख पा रहे हो, वार्सल हमको कुछ इस तरीके से लगाना है, ठीक है। ये जो हिस्सा है
ये हमारा बाहर की तरफ रहेगा और ये जो कट वाला है ना फ्रेंड्स, ये अंदर की तरफ रहेगा, क्योंकि ये पार्सल की वजह से काफी इंजन का साउंड क्रिएट करने लगता है। ठीक है, अगर हम इस तरीके से लगा देंगे तो लग जाएगा, पर क्या होगा फ्रेंड्स, बढ़िया से टाइट हो जाएगा पर पता नहीं चलेगा हम लोगों को कहाँ से आवाज आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हमको पार्सल को ध्यान से लगाना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम पार्सल को लगाने के बाद बढ़िया से कैमरा कॉल को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, इसका एडजस्ट करना थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि फोर वाल्व है इसलिए। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम पार्सल को इस तरीके से इसको टाइट करके टाइट कर लेते हैं फ्रेंड्स। टाइट नहीं मतलब हल्का सा हमें ऐसे रख देंगे, बस बाद में टाइट करेंगे क्योंकि हमको पहले वाल्व पर एडजस्ट करना है। जैसे कि देख पा रहे हो इंजन हमारा कंप्लीट हो गया, बस हमको सेल्फ का ग्रारी लगाना है। और जैसे कि देख पा रहे हो हमारा जो सेल्फ का जो वन क्लच होता है उसको भी लगाया, कुछ इस तरीके से होता है, देख सकते हो फ्रेंड्स आप लोग, जो पहले स्प्रिंग आएगा उसके बाद एक पुश आएगा और कलर जैसा अब ये बॉल आएगा बॉल। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है, देख सकते हो फ्रेंड्स इस तरीके से घूमेगा ना कि इस तरीके से। ठीक है, अब मैं इसको लगा देता हूँ। ठीक है, लगाने के बाद मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, इसका जो इंजन का स्पार्क प्लग वगैरह है उसको बढ़िया से लगाऊंगा। लगाने के बाद क्या करेंगे हम, चलिए पहले लगा लेता हूँ, एक हाथ से लगा दिया फिलहाल। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि एक हाथ से इंजन को भी पकड़ना था, तो इस तरीके से आएगा, मतलब सीधा घुसा के थोड़ा सा हमको घुमाना पड़ेगा। ठीक है, सीधा पुश करने से नहीं होगा, पुश करके घुमाना होगा। ठीक है, फिर ऐसे लग जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए सेल्फ कैसे काम करता है, ये जब हमारा मतलब इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है, और हमारा इंजन घूमता है इस तरीके से, ठीक है, ना कि इस तरीके से नहीं घूमेंगे, जब हम सेल्फ घुमाएंगे मतलब ये घूमेगा उसके बाद ही मैग्नेट घूमेगा। देख पा रहे हो फ्रेंड्स इस तरीके से ये घूम रहा है, ठीक है, इस तरीके से घूम रहा है और इस तरीके से फ्री है। जब हमारा इंजन घूमेगा ये ऐसे रह जाएगा क्योंकि ये इधर को फ्री है। ठीक है, जब इस साइड को घूमेगा फिर ये सेल्फ काम करेगा। तो मतलब अगर इस तरीके से घूमता रहेगा क्या होगा, सेल्फ का जो कार्बन होता है ना फ्रेंड्स काफी जल्दी जल्दी घिसने लगेगा, काफी जल्दी जल्दी घिसने लगेगा। उस वजह से क्या है, इधर को घूमेगा नहीं कि इस साइड को, ठीक है, जब सेल्फ लगेंगे तभी साइड को घूमेगा। तो दोस्तों सेल्फ का काम यही है। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, हम स्पार्क प्लग लगाते हैं और मैग्नेट कवर को बढ़िया से लगाते हैं। लगाने के बाद क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा बचा है इसको भी लगाना होगा, एक पार्सल इस साइड को और एक पार्सल इस साइड को। चलिए क्या करते हैं, हम लगा देते हैं कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा पोंछना पड़ेगा, मैंने फिलहाल ऐसे रखा हुआ है। चलिए इसको लगा देते हैं फ्रेंड्स, बस ये लग गया। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, मैं कवर भी लगा देते हैं, उसके बाद में सीधा स्टार्ट करने के बाद मैं मिलता हूँ। किक वाला लगा दिया, कार्बोरेटर लगा दिया आपने वॉश करके, चलिए एक बार क्या करते हैं सेंसर वगैरह लगा दिया, स्टार्ट करके देखते हैं। ठीक है, बढ़िया से स्टार्ट होता है या नहीं और कैसा इंजन का साउंड क्वालिटी कैसा हुआ वो हम एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और दोस्तों मैंने मतलब हेड का काम नहीं दिखा पाया, हेड का काम क्या अगर देखना चाहते हो तो आई बटन में आ रहा होगा। और इसका जो वाल्व है, वाल्व को बढ़िया से एडजस्ट करना चाहिए, फ्री इंजन का साउंड अच्छा होता है। चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, बैटरी डाउन हो गया अभी। अच्छा देख करो, स्टार्ट हो गया हमारा ये गाड़ी फ्रेंड्स। तो इंजन का जो साउंड है काफी बढ़िया साउंड आया फ्रेंड्स, थोड़ा सा ट्यूनिंग को लो करता हूँ मैं। देख पा रहे हो फ्रेंड्स इंजन का जो साउंड आया ना काफी अच्छा। देख पा रहे हो फ्रेंड्स जो कि इसका इंजन का जो साउंड आया ना काफी अच्छा क्वालिटी साउंड आया मतलब। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसे कि देख पा रहे हो इंजन का जो क्वालिटी आया, साउंड का क्वालिटी काफी अच्छा आया, काफी बेहतर आया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, स्टार्ट करके रख देंगे क्योंकि ऑयल कैसे लीकेज नहीं कर रहा है वो हम चेक करेंगे। ठीक है, ऐसे ही आइडियल कंडीशन में स्टार्ट हम छोड़ देंगे और ऑयल लीकेज का देख लेंगे एक बार। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। और दोस्तों इंजन का साउंड कैसा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इंजन का साउंड जो आया है कैसा क्वालिटी का आया है, इंजन का साउंड काफी मस्त आया है। ठीक है, काफी मस्त आया इंजन का साउंड, मेरे को तो काफी अच्छा लग रहा है साउंड। ठीक है फ्रेंड्स, काफी मस्त आया। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।